हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलूज होम किचन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है ब्रेड मसाला बाइट्स। तो मेरे एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पर ये बैचलर्स स्पेशल रेसिपी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जो बैचलर्स हैं, जिनको खाना बनाने में प्रॉब्लम होती है और कभी भी उनको झटपट से कुछ खाने का मन हो, तो वो इसको आसानी से बना करके इंजॉय कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस आसान सी रेसिपी को कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 6 स्लाइस ब्रेड के ले लिए हैं। ये वाइट ब्रेड है और इसको हम इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर ले रही हूँ। आप चाहें तो इसके एक ब्रेड में 4 पीसेस भी कट कर सकते हैं, या जैसा आप बड़ा या छोटा क्यूब रखना चाहें उस तरह से आप इसको काट सकते हैं। तो देखिए, मैंने इतने बड़े बड़े इसके पीसेस कट कर लिए हैं और मैंने सारे पीसेस कट करके तैयार करे हैं। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने 2-3 बड़े चम्मच के करीब बटर डाल दिया है। बटर को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। मेल्ट होने के बाद इसमें जो हमने ब्रेड के क्यूब्स काट करके रखे थे उसको डाल करके, और मीडियम फ्लेम पर हमें इसको हल्का सा टॉस करना है और इसको हमें थोड़ा सा क्रिस्प करना है। जब तक ब्रेड हमारी हल्की सी लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की नहीं हो जाती, तो ये देखिए इस तरह से अच्छी सी ब्रेड हमारी सिक चुकी है, ब्राउन कलर हो चुका है इसका। तो बस हम इसको निकाल करके रखेंगे। अब उसी कढ़ाई पर मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच के करीब तेल ले लिया है और उसमें यहाँ 1/2 कप के करीब मैंने मूँगफली ली है। इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमारी मूँगफलियाँ जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इसको भी अभी हम निकाल करके एक प्लेट में साइड में रख लेते हैं। तो ये मैं सारी मूँगफलियाँ निकाल ले रही हूँ। अब इसके बाद उसी तेल में मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब जीरा लिया है। जीरा जब हमारा तड़क जाएगा तो इसमें मैंने 4-5 लहसुन की कलियों को बारीक काट करके डाल दिया है और इसको हल्का सा हम भूनेंगे। लहसुन को हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है। थोड़ी सी बारीक कटी हुई मैंने हरी मिर्च भी डाली है और 1 प्याज को मैंने बारीक काट करके डाला है। इसको हम 1-2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर, और इसका जब हम प्याज का हल्का सा रंग चेंज होगा तो 1 बारीक कटा टमाटर भी हम इसमें डालेंगे। उसको भी 1-2 मिनट सौटे करेंगे, और बारीक कटी हुई शिमला मिर्च इसमें डाल करके उसको भी 1-2 मिनट भूनना है। तो आप इसकी जगह और भी सब्जियां अपनी मनपसंद डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दिया है। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मसाले हमारे जो है वो जले ना, इसलिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप के करीब इसमें पानी भी डाल दिया है। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 छोटा चम्मच सफ़ेद सिरका डालेंगे जो चाइनीज़ खाने में यूज़ होता है, और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने सोया सॉस डाला है, और 3 चम्मच भर करके हम इसमें टोमेटो केचप डाल देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। विनेगर का खट्टा टेस्ट और टोमेटो केचप का मीठा टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे सॉसेज हमने अच्छी तरह से मिलाए हैं और इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो पूरी तरह से सूख चुका है, तेल किनारों पर नज़र आ रहा है। तो हमने जो मूँगफलियाँ फ्राई करके रखी थी उसको हम डाल देंगे और इसको भी मसालों के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए इसको हल्का सा हम भून लेंगे, और जो हमने ब्रेड को रोस्ट करके रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे, और मसालों के साथ हम अच्छी तरह से ब्रेड को भी इसमें मिला लेते हैं। तो ये देखिए, सारे मसाले ब्रेड में अच्छी तरह से लिपट गए हैं और ब्रेड जो है वो हमारी अच्छी तरह से मसाले में कोट हो चुकी है। तो बस हमारी ये मसाला ब्रेड बाइट्स बनकर के रेडी हो चुका है, और बस अब हमें जिस प्लेट में इसको सर्व करना है उसमें हम निकाल लेते हैं और इसको अब हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी मसाला ब्रेड बाइट्स बनकर के रेडी हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बारीक कटी धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर दिया है, और एक ये मैंने चीज़ का क्यूब ले लिया है, प्रोसेस चीज़ है ये, और इसको इसके ऊपर ग्रेट करके मैंने डाला है। ये करना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप चाहें तो इसको ज़रूर करिएगा।
तो और थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से गार्निश किया। और ये लीजिए दोस्तों, हमारी ये बहुत ही चीज़ी और चटपटी मसाला ब्रेड बाइट्स बनकर के रेडी हैं। तो हमारे बैचलर्स जो हैं वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसानी से वो इसको बना लेंगे। तो मैंने अपने व्यूअर की रिक्वेस्ट आज पूरी की है, आई होप ये उनको पसंद आएगी। तो दोस्तों आप ज़रूर इसको बना करके ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।